इन अंग्रेजों को ना दिनों के नाम रखने के बड़े शौक है, जैसे प्यार जताने के लिए वैलेंटाइन डे। चलो एक दिन प्यार ठीक है, बाकी के 364 दिन क्या करेंगे। इन्होंने ना मजाक करने के लिए भी अलग दिन बना रखा है, अप्रैल फूल डे। इन लोग कैलेंडर बना रहे थे कि अपना टाइम टेबल, चलो वैलेंटाइन डे हो गया, बंदी से प्यार भी हो गया, अभी केक डे, स्लैप डे में जब मार के भी हो गया, अभी बनाएंगे अप्रैल फूल डे, मतलब कुछ भी कुछ भी। आपने कभी ऐसा इंडिया में सुना है प्रेम दिवस, बेवकूफ बनाओ दिवस, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है ना। डेली लाइफ में हमारे तो प्रैंक चल रहा है, सुबह उठ के आईने में अपनी शक्ल देख ली, वही सबसे बड़ा मजाक लग रहा है। और भाई असली प्रैंक तो नेता कर रहे हैं हमारे साथ, इलेक्शन के टाइम ये करूंगा वो करेगा, इलेक्शन के बाद तुम कौन हो, जनता माफ नहीं करेगी। तो गाइस हम इंडियंस तो प्रैंक करने से रहे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं अंग्रेज लोग कैसे मजे लेते हैं प्रैंक करके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की जबरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। April Fools without a little toilet humor. गाइस ऐसे तो ये वीडियो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें दो दोस्त होती है, इसको इस पे प्रैंक करना होता है, इसलिए ये लड़की टॉयलेट पेपर चॉकलेट लगा देती है, तो इससे इसको लगेगा कि टॉयलेट पेपर पे पॉटी लगी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्रैंक अगर आपने इंडिया में किया ना, तो अगले दिन आपको टॉयलेट पेपर पे चॉकलेट नहीं, असली की पॉटी मिलेगी। Wait a sec. मतलब वाह, इस लड़की को भी देख लो, कंफर्म भी कैसे कर रही है सूंघ के, कुछ भी यार। अब ये दांत तोड़ने वाला प्रैंक हो रहा है। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई चैन से सोया है तो वो यही बंदा है, मतलब भाई इसको उठाने के लिए अलार्म की नहीं नगाड़ों की जरूरत पड़ती होगी, मतलब लिटरली बंदा सोया है, कोई आपके मुंह में हाथ घुसा के टेप लगा रहा है तो भी भाई उसे महसूस ही नहीं हो रहा है, मतलब ओपी, मतलब वाह। अरे भाई देश कौन सा भी हो, इंसान कौन से भी हो और जगह कौन सी भी हो, लेकिन प्लीज सेंड मी योर फोटो, ये आदत ना किसी की भी नहीं जाती। नॉटी नॉटी। भाई लड़की भी तो हमारी आफत निकली, नाक में कांच रख के फोटो खींच ली है। सक्सेसफुल बंदा, डरा तो डरा लेकिन ऐसे ऐसे डर गया भाई, कुछ ज्यादा डर गया भाई। डर तो ऐसे रहा है जैसे उसके फोन में मैसेज आ गया हो कि तुम्हारे बैंक के सभी रुपए खत्म हो गए हैं, मतलब ये बंदा कैसे डर रहा है। इस हिसाब से तो मेरे सभी दोस्त जो कुत्ता और बिल्ली के फिल्टर लगाते हैं उन्हें देख के मुझे भी डर जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ओ आंटी इस कुत्ते के लिए कुतिया ढूंढ लो। तो गाइस अगर आपके दोस्त ने 5 रुपए की चॉकलेट ली और अगर आपके घर शेयर नहीं थी तो आप क्या करोगे। पहले वो 5 का पैकेट लोगे और उसके अंदर 15 का ग्लू डालोगे और फिर उसे दोगे क्योंकि उसका हाथ चिपक जाए। अरे भाई मुझे भी चाहिए ऐसी अमीरी, मुझे भी चाहिए, मतलब 5 रुपए की चॉकलेट लेने की बजाय मैं उसके अंदर 15 रुपए की बर्बादी करूँ वो भी उससे बदला लेने के लिए। अगर हमें ये चीज करनी नहीं है, सीखनी नहीं है, तो हमें बताया क्यों जा रहा है। अब मैं आपको जो प्रैंक बताने वाला हूँ ना, वो प्रैंक तुम स्कूल में भी कर सकते हो। इस प्रैंक को करने के बाद आपका सस्पेंशन तो पक्का है। इस प्रैंक को करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए, पहली एक सस्ती नागिन और दूसरी एक ऐसी औरत जो रात को सफेद साड़ी पहन के बच्चों को सताती हो। एक मिनट, इनको स्कूल में एंट्री किसने दी? Oh no, my hair is in the paint. Zombie has solution for Kate hair problem. Thanks zombie, this will work great. ओ बेटा जी, ये zombie तो बड़ी अच्छी निकली। उस अपने दोस्त के बाल पेंट में घुस रहे तो उसने अपना हेयर बैंड को ही कुर्बान कर दिया। Take your headband back. This fake knife. It's not real knife.
इस बहन के पीछे एक चुड़ैल बैठी है तो उसे डर नहीं लग रहा है, वो मस्त अपने मजे में। लेकिन उसने चाकू दिखा दिया तो बंदी कर रही है, मतलब क्या? Done. Kate, zombie make this for you. Oh wow, this is amazing, zombie. नहीं मतलब लड़की का लॉजिक देख रही हो, लड़की का आईक्यू लेवल देख रही हो, वो सादा हेयरबैंड नहीं, एक ऐसा हेयरबैंड पहनेगी जिसका ये इधर वो इधर, छोड़ो यार। Think that a good idea too. अभी ये दोनों दीदी मिलके ना आगे वाले भैया पे प्रैंक करने वाले हैं। और भाई जो सामने वाले भैया है वो तो मतलब दिमाग से पैदल ही है, तभी तो पीछे वाली लड़की ने नाटक किया, उसको उसने सही मान लिया। मतलब कोई बंदा इधर से चाकू निकल रहा है, इधर से चाकू बाहर आ रहा है तो खून भी नहीं आया। मतलब खून खून क्या होता है, कोई जब अपने शरीर में चाकू मारता है तो खून आता है, खून थोड़ी ना आता है, सोना निकलता है ना। पहले तो कोई मुझे ये बोलो कि गोल रॉड से किसी का हाथ कैसे कट सकता है, जो अगर हाथ कट गया तो वो चिल्ला क्यों नहीं रहा है भाई। मतलब ये सभी चीज मेरे दिमाग से पर है, ये मेरा दिमाग ये सब चीजों को सही नहीं सकता, निकाल दो इन सबको निकाल। अरे वाह दीदी ने तो पकड़ लिया कि ये तो एक प्रैंक था, इसी बात के लिए दीदी को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, नोबल प्राइज मिलना चाहिए। दीदी के लिए सभी खड़े होके तालियां बजाओ, हैट्स ऑफ दीदी। ट्राई सम, इट्स रिफ्रेशिंग। आपको पता हो कि आपका दोस्त लीचड़ हो और बुक्कड़ हो तो आप क्या करोगे, आप कोई भी चीज दो खरीदोगे या अपने लिए भी नहीं खरीदोगे। लेकिन ये दीदी तो दुनिया से ही परे है, ये तो कुछ अलग ही करेगी। जरा आप भी देख लो ये क्या करती है। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, कैन आई हैव अ सिप ऑफ कोक? श्योर। मतलब भाई दीदी के पास दो रास्ते थे, पहले वो उसे साफ मना कर सकती थी, MANA मना, मैं तुझे अपना कोक नहीं देने वाली। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आखिर में एक बोतल कोक लिया, उसमें छेद करके कोक बोतल की बर्बादी की, लेकिन उसको नहीं दिया। आखिर में भले उसने दो बोतल ली लेकिन उसने पहली बोतल को बर्बाद कर दिया। इन्हीं तो लोगों को कलयुग में पापी कहा गया है। We'll give him what he wants. Add food coloring to fondant so it's the same color as Japanese soba noodles. Cut it into strips. Chop licorice candy so it looks like vegetables. Whoa, food! And it's begging to be eaten. Let's do it. चलो एक हद तक चलो कि उसे नहीं समझा स्मेल लेके कि वो नूडल्स है क्या क्या है, बहुत लोगों को होती है प्रॉब्लम। लेकिन भाई तूने उसे खाया, उसका स्वाद लिया तो भी तुझे नहीं समझा। चलो खाने की तो दूर की बात, उसने अपने निगाह से अपने आंखों से देखा तो भी उसे नहीं समझा। मतलब दिमाग तो इसका घुटनों में नहीं पैरों में है ना। और भाई इन्ना बोलता है कि ऐसे प्रैंक आप अपने दोस्तों पे करो, कर तो दोगे प्रैंक मस्ती के लिए, लेकिन अगले दिन जो आपके साथ वो करेंगे ना, जो जो खिलाएंगे जो जो पिलाएंगे ना, वो आप सह नहीं पाओगे। इसके लिए ना समझ के करना, वार्निंग है। गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और गाइस अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसे घटिया प्रैंक्स को एहसास नहीं करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट से मैंने 200 तो कर ही लिए, अब 300, 400, 500, 600 भी कर ही लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।